तो अपनी फोटो ले ले। अब हम आपको लेके आए हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आपकी रूह कांप उठेगी। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब कि बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं, और जो भी पहुँचता है तो शायद ही वापिस रियल केसेस होते हैं जिनमें वो वापस जा पाता है। ये देखिए यही कहीं, ये देखिए कितना घना जंगल है। ये देखिए सामने कितना घना जंगल है। देखिए वहाँ पर दूर दराज है ना, आ जाइए यहाँ पर दूर दराज कुछ लोग हैं लेकिन आने से डर रहे हैं। वो उनको डर लग रहा है, उन्हें डर लग रहा है। ये देखिए इनके साथ एक लगता है एक लड़का भी है। लड़का भी है, वो खुद डरता है, वो डरपोक है एक तरीके से कह सकते हैं। लो आओ आगे चलते हैं फिर। नाना ठीने मंदिर में चाहिए चलो आओ ना दूसरे रस्तों आओ बस आओ चलते हैं आगे तो मंदिर में चले जा। तो हमारे आगे की खोज जारी है। हम चल रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने कांटे हैं। कांटे हिरण, इन कांटों को देखिए, गौर से देखिए इन कांटों को। यू आर सी दिस ये देखिए और यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े बाकी भी। ये देखिए जंगली आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ देखिए हिरणों की खुर है। ये कुछ केलेट्स मिले हैं यहाँ पर ये मिंगनिया है। ये मिंगनिया आप देख सकते हैं, हिरण की मिंगनिया देखने में हिरण की लग रही है। ये देखिए मैं आपको हाथ में लेके दिखा देता हूँ कि ये हिरण की मिंगनिया है। हम चलो आगे चलते हैं, हम आगे हिरण को ढूंढना चाहते हैं। हमें कुछ डंग मिला है, काऊ डंग वगैरह यहाँ पर लगता है। यहाँ पर हमें दूर दराज एक मंदिर सा दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो कैमरे में। मंदिर कैमरे में आप देख सकते हो, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पेड़ों के पीछे। अभी आपको दिख रहा है, अभी थोड़ी भनक लगी है। जैसे कुछ हिरण गुजरे हैं, बट यू आर यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि पहले भी कोई आदमी आया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए आप अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। ये देखिए मिंगना कुछ जो टोबे को यहाँ पर जो मतलब कोई आया था यहाँ पर बंदा, वो वापस नहीं गया है घर पे, उसी की खोज में आए हुए हैं। उसने लास्ट बार यहाँ पर तानसेन खाई थी। आप मेरे पीछे कैमरामैन से कहूंगा, कैमरामैन से मैं कहूंगा यहाँ पीछे ये देखिए गुफा। हम आपको गुफा दिखा देना, हम गुफा दिखाना चाहते हैं जहाँ पर जीव जंतु अपना आसरा लेकर रात में यहीं विश्रण करते हैं। हाँ ये देखिए कितनी गहरी गुफा, कितनी गहरी गुफा है। ये देखो लंबी चौड़ी दूर तक देखिए आप, देखिए बताते हम कैसे इसमें न्यू प्रवेश करते हैं। देखिए देखिए हमारे दो साथी अभी अंदर गए हैं, तो हम खोज कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ बोतल्स हैं, इसका मतलब बोतल यहाँ पर कोई आया है रात को। इस बोतल से साफ जाहिर होता है कि कोई पानी लेके आए यहाँ पे। चिप्स देखिए, चिप्स देखिए, ये हमारे निरीक्षण साहब मिस्टर सुभाष जी नाश्ता पानी किया है। मैं आपको दिखा देना हूँ, चिप्स वगैरह है यहाँ पे। ये गुफा देखिए बहुत गहरी गुफा। चलो आइए आगे की खोज जारी रखते हैं। हमारे साथ जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से दूर मंदिर नजर आ रहा होगा आपको। ये देखिए जूम करके दिखा देते हैं हम, जूम करके दिख गए होगा आपको। ये नहर है यहाँ पे, कोई टाइम देखिए यहाँ पर दूर दराज एक कपल्स बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी घूमने आए, उन्हें पता नहीं है कितने डेंजर जगह है यहाँ पर। ये देखो नदी, ये देखिए नदी नहर जाती, कई टाइम पे यहाँ पर नदी गुजरती थी। ये देखिए कोई ऐसा बहुत सालों पहले ऐसा यहाँ ऐसे माना जाता है, सुना है कि कोई टाइम यहाँ से एक नदी गुजरा करती थी जिसका नाम धोरा नदी था। धोरा नदी के नाम से धोरा नदी, और ये आप अभी भी वो विलुप्त हो चुकी है विलुप्ति का, लेकिन उसके अवशेष यहाँ पर देख सकते हो आप। ये देखिए दूर तक देखिए पेड़ उग गए हैं यहाँ पर, पेड़ उग गए इसके बीच में। ये देखिए दूर तक, बहुत दूर तक ये नदी है। चलो आओ हम चलते हैं यहाँ पर, जरा आराम से आना, कांटे बहुत है यहाँ पर। ये देखिए फिर वही निशान ये मिंगनिया। कहने का मतलब यही है कि हमारा यहाँ पर थोड़ा आए तो सतर्कता से आए। ये देखिए ये केयर आप देख सकते, ये केयर है, देखिए ये उनका मुख्य भोजन है केयर वगैरह के रूप में काम में, सब्जी के रूप में काम लेते हैं। ये देखिए यहाँ आकर रास्ता खत्म हो जाता है, यहाँ आकर रास्ता खत्म हो चुका है। अब आगे आप इस रास्ते से आगे नहीं निकल सकते, इसलिए हमें दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। ये बहुत ही कंटीला रास्ता है, इसलिए सो अपने को रास्ता चेंज करना पड़ेगा। तो कैमरामैन आप कैचअप कीजिए हमें, एंड यू फॉलो माय मेरे साथ मिस्टर मनोज, डॉक्टर मनोज सैनी।
एंड मेरे साथी सतेंद्र जी नागर साहब, यस यस देख लीजिए, कैमरामैन अपने बाबूलाल जी नागर के भतीजे हैं, यस यस, और हम जो आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हमें ये देखिए, मैं आपको फिर दिखा देना चाहता हूँ, ये देखिए कितनी गहरी खाई दिख रही है आपको, ये देखिए, अरे तो माछी भी तो लगती है, ये देखिए कितनी गहरी खाई है, गहरी खाई है जी, यहाँ से वो धोरा नदी गुजरा करती थी, अब पानी बंद हो चुका है, बरसात बहुत कम होती है, इस चक्कर में पानी बिल्कुल नहीं आता, तो वो बंद हो चुका है, आप एक बार इसको कैद कीजिए, मैं कहूंगा कि इसको थोड़ा जूम करके आप दिखाएं अपने दर्शकों को, ये देखिए की भनक सी सुनाई दे रही है कि इधर से कुछ जंगली जानवर के होने की आशंका है, मनोज जी हाँ मैं आपको फिर याद दिलाना हूँ कि यहाँ से मेरे को भी आवाज आ रही है, यहाँ पे कुछ जंगली जानवर हो सकते हैं, चले आइए देखते हैं वो कहाँ पर है, उसे ढूंढते हैं, हमारे साथ आइए, आइए आप आइए आइए, कम यू फॉलो मी फॉलो, आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको हमारा चैनल पसंद है, और वीडियो आएंगे आपके पास, आपके पास? हाँ, इसे सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये देखिए हिरन, हिरन सो यू कैच अ फिश, हिरन यस 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 कैच कैच कीजिए हिरन, हिरन थोड़ा जूम कीजिए, वो इधर ही है, देखो वो रहा, वो रहा देखो उसकी पूंछ हिल रही है, पूंछ हिल रही है, वो पूंछ हिला के मतलब अपनी शालीनता का प्रदर्शन कर रहे हैं, चुपचाप होके इसको कैद करना चाहते हैं, देखिए देखिए कैसे वो अकेला अकेला है, लगता है वो अपने साथियों को ढूंढ रहा है, तुम दूसरे मोबाइल में फोटो खींचो, साथियों को ढूंढ रहा है, सो यू कैमरा मैन कैद कीजिए इसको, देखिए ये मैंने पहले कहा था कि ये बहुत घना जंगल है, बग रहा है वो लगता है उसको ये एहसास हो गया है कि हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, हम उसकी तरफ पास जा रहे हैं, इसलिए वो छुप गया है, बैठ जाइए क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा जानवर भी हो सकता है, और हम आपको दिखाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, रुके ओके इसी के साथ अब कंप्लीट कर लें, देखिए वो राज हाँ। बस तो सत्य है आया। तो बस नहीं।